नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल नॉलेज। आप सभी से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जैसे चार क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हुए हैं बोर्ड पे, व्हाई फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सॉर्टिंग टाइप टर्मिनल्स रिक्वायर्ड फॉर सिटी। अगर आपने किसी पैनल को देखा हो या फिजिकली आपने कभी पैनल ओपन किया हो तो स्पेशल टाइप्स के टर्मिनल्स जो है सिटी वायर को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, मीन्स उसमें सॉर्टिंग लिंक प्रोवाइड होती है, तो वो क्यों की जाती है, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन ये है। दूसरा है वाई फ्यूज इज गिवन ओनली फॉर पीटी एंड नॉट इन सीटी। पीटी सर्किट में अगर आप देखेंगे तो उसमें फ्यूजेस दिए जाते हैं, आरवाईबी तीनों फेसेस के लिए फ्यूजेस दिए जाते हैं, मगर सीटी कनेक्शंस के उसमें कोई भी ऐसा फ्यूज वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है। और तीसरा है वाई ट्रांसमिशन लाइन इज इन 11 केवी, 33 केवी और इन 66 केवी, नॉट इन 10 केवी, 20 केवी, 30 केवी, मीन्स ये 1.1 केवी के रेंज के हिसाब से ऐसा क्यों बढ़ता है और उसके क्या रीज़न है। 10-20 केवी मतलब जो प्रॉपर हमारे यहाँ काउंटिंग चलती है वैसे 10-20-30 उसमें क्यों नहीं होता है, तो तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा है व्हाट इज़ फेरारी इफेक्ट, फेरारी इफेक्ट क्या है और वो क्यों होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। ये चारों जो हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकांश पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ ड्यूरिंग वाई सॉर्टिंग टाइप टर्मिनल रिक्वायर्ड फॉर सिटी। तो अगर आप ध्यान देंगे कि जब भी हम मेंटेनेंस करते हैं या कोई भी सेकेंडरी इंजेक्शन करते हैं तो सेकेंडरी इंजेक्शन करने के लिए हमें मेन सिटी को बाईपास करना पड़ता है। सेकेंडरी इंजेक्शन कहाँ पे होता है, रिले में होता है, मतलब हम रिले में देते हैं, रिले की ट्रिपिंग वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है, तो उस समय में हमें सिटी को बाईपास करना होता है सिटी में, क्योंकि इनकमिंग तो हम दे नहीं रहे हैं, प्राइमरी साइड में उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, सेकेंडरी में डायरेक्ट दे रहे हैं, तो उस समय हमें बाईपास करना होता है। तो जब भी हमें सेकेंडरी को प्राइम इसको करना होता है, सिटी को बाईपास करना होता है, तो हम ये शॉर्ट लिंक्स को लगा के सिटी को बाईपास कर देते हैं। तो सिटी में जो शॉर्टिंग लिंक दी जाती है वो इसीलिए ताकि हम सिटी को बाईपास कर सकें, और अगर हम बाईपास नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम ऐसा कुछ भी इंजेक्शन वगैरह करते हैं तो हमारी जो सिटी है वो सेचूरेट हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए हम शॉर्टिंग लिंक प्रयोग करते हैं कि जब भी हमें सिटी से रिलेटेड या कोई भी टेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है और हमें सिटी बाईपास करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम शॉर्टिंग के थ्रू उसको शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्टिंग के थ्रू शॉर्ट करके और हम अपना टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो ये तो हुआ इसका आंसर। तो दोस्तों, जैसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई फ्यूज इज गिवन ओनली फॉर पीटी एंड नॉट इन सिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फॉल्ट कंडीशन में अगर फॉल्ट नहीं क्लियर होता है तो हमारी सिटी जो है वो ओपन सर्किट होके सैचुरेट होके डैमेज हो जाएगी, बट पीटी में ऐसा नहीं होता, वो जो है ओवरलोडेड हो जाएगी, और इसीलिए फ्यूज़ को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसकी शॉर्ट सर्किट करें से प्रोटेक्शन हो सके। कोई भी ऐसा फॉल्ट होता है और जिसमें वो हो तो वो उसके फ्यूज़ को ब्लोन कर दे और हमारा पीटी वगैरह जो है फटने से बच जाता है। देन है वाई ट्रांसमिशन लाइन इन 11 केवी, 33 केवी और 66 केवी, नॉट इन 10 केवी और 20 केवी। तो दोस्तों, ये जो है मेनली अगर इसका देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर रहता है, जैसे आपने आजकल सुना होगा फॉर्म फैक्टर बेसिस पे जो कि 1.1 होता है उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन, बट इसका एक मेनली रीज़न ये भी होता है कि जैसे हमें ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए हमें जो हमारी रिक्वायर्ड सप्लाई है उससे ज़्यादा भेजी जाती है। तो जैसे अगर मुझे 10 केवी की रिक्वायर्ड है तो मैं 11 केवी और 66, जैसे हमें 10 केवी अगर मैं सप्लाई करता हूँ तो वो मुझे रिसीविंग एंड पे क्या होगा, 9 केवी और समथिंग ऐसी वोल्टेज रिसीव होगी।
तो जैसे मेरा 11 केवी का रिक्वायरमेंट है, मतलब जो मेरा जितना भी लोड है उसके हिसाब से मुझे उससे ज़्यादा केवी की ट्रांसमिशन करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सब, जैसे हमारे वोल्टेज जैसे आजकल देखते हैं 440 वोल्ट बोला जाता है और हमारा 415 और प्लस माइनस 5% के रेंज में इक्विपमेंट काम करते हैं। तो हम 440 वोल्ट की सप्लाई जैसे 11 केवी बाय 440 करते हैं और हमारा मतलब 400 का रहता है, 415 बाय समथिंग ऐसा हमें मिलता है। तो मेन रीज़न है हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें जो रिसीविंग एंड पे मिलना चाहिए वो ज़्यादा मिलना चाहिए। अब आता है व्हाट इज़ फेरारी इफेक्ट। तो जो फेरारी इफेक्ट होता है दोस्तों, वो होता है कि सेम जैसे अभी मैंने बताया कि जो हम सेंडिंग एंड में हम भेज रहे होते हैं और रिसीविंग एंड में हमें कम वोल्टेज मिलता है, बट फेरारी इफेक्ट में ये उल्टा होता है कि सेंडिंग एंड में सपोज हम भेज रहे हैं 11 केवी और हमारे रिसीविंग एंड में रिसीव होता है 12 केवी। तो ये जिस जब ये क्यों होता है, जैसे हमारी वोल्टेज लाइन की कैलकुलेशन, ट्रांसमिशन लाइन की एक लॉसेस की कैलकुलेशन होती है, उसी हिसाब से हम यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं अपनी सप्लाई को। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी लोड है वो सडनली ओपन हो जाता है, बाय चांस कुछ ट्रिप हो गया या कुछ हो गया, तो हमारे जो लोड है वो एकदम से घट जाते हैं और हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं। उस कंडीशन में हमारे रिसीविंग एंड पे जो है ये जो भी लाइन में कैपेसिटेंस वगैरह वो एकदम से डिस्चार्ज होते हैं और उसके चलते हमारे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इस वोल्टेज बढ़ने को, मतलब सेंडिंग एंड में जो वोल्टेज भेजा जा रहा है और जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज मिल रहा है वो अगर ज़्यादा मिल रहा है, तो इस इफेक्ट को हम फेरारी इफेक्ट कहते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के चारों इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को अपडेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए वो आप उसका नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।